और चुनाव के वक्त बजट पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को सुनवाई टल गई थी। याचिकाकर्ता को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है, अपना हलफनामा पेश करना है। केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है, लेकिन यहां विपक्षी दलों का कहना है कि 5 राज्यों में आचार संहिता लगी है, ऐसे में बजट इस तारीख को पेश ना किया जाए। तो आम बजट, रेल बजट को लेकर याचिका दाखिल की गई है और इसके बाद अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था कि बताए जो याचिका करता है कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है जो केंद्र को बजट पेश करने से रोक सकता है। विप्लव अवस्थी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विप्लव, जरा बताएं जो इससे पहले यहां पर सुनवाई हुई थी, आज क्या कुछ हलफनामे पेश करने हैं, किस तरह के आज प्रोसीडिंग होनी है कोर्ट में? विप्लव, आवाज मिल रही है आपको? तो हम कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो मामला है आज, इस पे देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी, क्योंकि बजट जो 1 तारीख को पेश होना है, 1 फरवरी को पेश होना है, उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है पहले वो ऐसे कोई प्रावधान बताएं जिसके तहत रोक लगाई जा सकती है सरकार के बजट पेश करने पर।